हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम गुरुकुल आए हैं घूमने के लिए। ये देखिए वहाँ का दृश्य, ये बहुत ही सुंदर है। वहाँ पे हर रामायण में क्या हुआ है, भारत में क्या क्या हुआ है, सभी चीज़ इधर नॉलेज आपको मिलेगा। यहाँ पे विज्ञानी तौर से भी सब चीज़ बनाया गया हुआ है। आप एक बार ज़रूर आइएगा सूरत, आके इस जगह पे ज़रूर जाइएगा। गुरुकुल सूरत में है, आप यहाँ पे ज़रूर जाएँ। देखिए कितना अच्छा अच्छा दृश्य है यहाँ का, श्री कृष्ण के साथ में, यशोदा मैया के साथ में श्री कृष्ण। देखिए मटकियाँ फोड़ के, दही हांडी सब फोड़ दिए हैं। ये देखिए यहाँ पे श्री कृष्ण के मित्र हैं सभी। देखिए जितने इनके मित्र हैं सभी को यहाँ पे राउंड वाले झूला में डाल के रखा हुआ है सभी को देखने के लिए। ये देखिए ये देखिए नाग पे, कालिया नाग पे श्री कृष्ण खड़े हैं। उनकी देखिए नाग के चारों पत्नियां हैं यहाँ पे, मतलब हर एक चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। ये देखिए यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी अच्छी कलाकारी की गई हुई है। ड्राइंग बहुत अच्छा है, यहाँ पे पिक्चर्स बने हुए हैं। ये देखिए यहाँ इस जगह पे आपको मछली घर भी मिल जाएगा, वो भी है। देखिए कृष्ण भगवान बलराम पढ़ाई कर रहे हैं, वाल्मीकि जी इनको पढ़ा रहे हैं। ये देखिए ऋषि जी, यहाँ पे रामायण में क्या क्या हुआ है सभी चीज़ दिखाया गया है। देखिए गोवर्धन पर्वत उठाते हुए श्री कृष्ण जी। ये देखिए यहाँ पे आप बच्चों को लेके जरूर जाइएगा, बहुत अच्छा है। बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आता है, और अपना संस्कृत का है तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे जाने के बाद मन भी बहुत अच्छा शांत हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे हर एक दृश्य देखने में। देखिए राम लक्ष्मण हैं, देखिए गणेश भगवान अपने माता पिता का चक्र काटते हुए। देखिए इन्होंने ये साबित किया था कि पूरा सृष्टि के भगवान माता पिता के चरणों में रहता है। ये देखिए कार्तिक जी भी ऊपर हैं मोर पे। ये कितना सुंदर लगता है वहाँ पे ये सब देखने के बाद। देखिए रावण जी सीता जी को हरण करके ले आए थे, वहाँ का ये सीन है। देखिए बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे। देखिए सीता जी अग्नि परीक्षा दे रही हैं राम जी लक्ष्मण जी के सामने। देखिए राम जी और शबरी जी इनका भी है। देखिए पत्थर राम लिख के इन्होंने हनुमान जी ने लगाए हुए थे, वो सब दृष्टि यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे सभी। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए यहाँ पे श्री कृष्ण जी संगीत में लीन थे। यहाँ पे देखिए सुदामा का पैर धोते हुए कृष्ण जी आपको दिखेंगे। और ये देखिए यहाँ का मेन मंदिर जो यहाँ पे है, ये देखिए यहाँ बहुत ही अच्छा दृश्य है। यहाँ पे आप जाइए, बहुत ही सुंदर है यहाँ पे। ये देखिए हम आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए ये बाहर का नज़ारा है, ये बाहर में भी सब कलश है, कलश के अंदर सभी मूर्तियाँ हैं, एक एक मूर्तियाँ हैं उसमें, मतलब जितने देवी देवता हैं सभी की मूर्ति उधर अवेलेबल है उस जगह पे। ये देखिए इन्होंने पानी में बना के रखा हुआ है। देखिए नीचे सभी पानी है तालाब जैसा, और उसके ऊपर में मूर्ति बना हुआ है। देखिए घनश्याम जी का, श्याम जी का, कृष्ण भगवान, राम जी, सभी जी का मूर्ति है। आपको हमारी वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू।